अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम क्वालिटी गोट फार्म इन भिवंडी। दोस्तों उमर भाई के यहाँ पर है हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नायाब दावत दे दी आज आपने। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, और इतनी खुशी हुई कि पूरी भिवंडी की टीम मौजूद है। जी भाई, आओ आप सबसे मिलते हैं। सही है। तो एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। काफ़ी मेहनत से बनाया भाई ने बोर्ड भी, बेस्ट ब्रीड्स एंड बेस्ट प्राइस। उमर भाई का नंबर है स्क्रीन पर। उनके शायद ये पुराने बकरे हैं ना उमर भाई? ये लास्ट ईयर का बकरा था अपना, एक गुजरी बकरा है, 145 केजी पे गया था। सेल्फ फीडिंग पे आपका इतना रिकॉर्ड है भाई? भराई का बकरा था ये, भराई किए थे आपने। और ये अपना 14 बकरा है, ये 2080 किलो का था, ये सेल्फ फीडिंग पे था। सही है। और उसके ऊपर अपना विलायती मेंढा है। सही है, वो भी 2000। ये एड्रेस भी देख लीजिए आप, निज़ामपुर फर्स्ट नियर चांद तारा मस्जिद बिहाइंड काली स्कूल, भिवंडी का पिन कोड। तो क्योंकि आपके यहाँ माशाल्लाह तैयारी काफ़ी अच्छी देखी गई थी लास्ट ईयर, मेंढे भी थे कुछ? मेंढे भी थे, बकरे भी थे, वो फागी वाले मेंढे भी जो अच्छे तैयार, वो बिके हो? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक महीना पहले वो बहुत दिन रुक गए थे अपने पास, एक साल पूरा अपने पास थे, उसके बाद वो बिक गए, अच्छी कीमत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बनने में कैसे रहते हो? बनने में भाई बहुत अच्छा पिकअप ले लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक मेंढा 105 110 किलो, और एक मेंढा उसमें 130 किलो का भी हो गया था। सही है। तो हम लोग आपके कुछ जानवर जो बेचने वो भी देखेंगे, पलाई के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और जो हमारी टीम आई है पूरी भिवंडी की, माशाल्लाह। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बाड़े में कुछ है देने को उमर भाई, तो बता ही दो ना, फिर इधर आएंगे नहीं हम लोग। खासी बकरे है भाई, ये 2000 पे एक बकरा है। उमर भाई की हाइट 6 फुट के ऊपर है जी भाई, तो बकरे की हाइट को जज मत करो आप। ये बकरा मेरे सामने खरीदे, सेट हो गए पूरे। ये नस्ल क्या बोलोगे भाई? ये गुजरी नहीं बोले, गुजरी है ना जी भाई। क्या कलर है इसका? ये कलर पैटर्न भी अच्छा है, ये सिरोही में एक बकरा है। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो बकरे आप देख रहे हो फुल सेट हो चुके हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपके तो सामने ही, मेरे सामने खरीदे हुए बकरे हैं। ये भी 80 है, ये अभी जस्ट 2000 बोल रहा है। ये सब बकरे नक पे बेचेंगे? इसको बांधने की वजह भाई, ये थोड़ा मारता है, सिंग है ना इसके, और सब बुंदे है, बाकी बच्चा फुल एक्टिव है। ये तो आदन बच्चा है, बहुत बाजारी। ये भी आदन थे ना सिरोही? ये भी दाते हैं, 2 दाँत अब भी किया जी भाई। और ये वाला 4 दाँत है? 2 दाँत 2 दाँत बहुत खूबसूरत बकरा है, 2 दाँत 4 कर रहा है, चलो बहुत अच्छे। और एक सोजत, ये सब नक पे बेचेंगे, अगर कोई खरीदता है तो यहाँ पलाई पे रख सकता है, पलाई पे भी रख सकता है। 3500 रुपये अंडुल के चार्ज है, खस्सी की और मेंढों की 3000 रुपये चार्ज है। कोई भी मेंढा हो। इनके पास मेंढों की तैयारी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आइए बाहर चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं शानदार हंसा। बहुत खूबसूरत इसको पूरे बाड़े में अकेला ही रखे हो? पूरा अकेला है, वरना गंदा हो जाता है। गला पट्टी, झालर, फर, मार्बल सिंग, हंसा नस्ल नायाब चीज, बहुत मस्ती करता है वो सोजत भाई, वो देखिए ना, दिल तो बहुत हैरान कर, रस्सी तोड़ दी, रस्सी तोड़ दी। सही है, हंसा ये भी नक पे बेचना है? नक पे भाई, इसके आपको 42,000 रुपीज़ डिमांड कर रहे हैं। 42,000 रुपीज़ इतने बड़े जानवर के? 42,000 रुपीज़ भाई, ज़्यादा वाला सब देख सकते हैं। खाली भाई कान पे काला स्पॉट है, कान पे काला सा स्पॉट है बस, वो तो जमुनापारी में थोड़ा बहुत आता ही है जी भाई, बाकी पूरी खोल भी आप सब देखते हैं, मार्बल में पूरा बकरा। चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सब लोग बातों में। नदीम भाई कैसे नदीम भाई? स्वाद दावत में आया, मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। और पूरा गेट टुगेदर हो रहा है, गेट टुगेदर सब भिवंडी के लोग हैं और सब ट्रेडर ही है। और मेन चीज़ देख लो कि बॉम्बे में और सब जगह ना एक इत्तेकाफ, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्सी रहती है, इत्तेकाफ रहता है, यहाँ पर मोहब्बत है। सही है,
नहीं रहना भी चाहिए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, वीडियो देखते रहते हम लोग। ये अयूब चाचा बैठे हैं यहाँ पर, कुछ शेर बोलेंगे आप क्या? शेर सो रहा है। सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता, फूलों की खुशबू को चुराया नहीं जा सकता। क्या बात है। सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता, फूलों की रोशनी को चुराया नहीं जा सकता। थोड़ा दूर रहते हैं तो क्या हो गया, ऐसी मोहब्बत और ऐसी दोस्ती को कभी भुलाया नहीं। वाह क्या बात है। अयूब भाई, अयूब भाई, यहाँ शानू भाई बैठे हैं माशाल्लाह। शानू भाई आया नया माल कुछ? आया अभी, हाँ जी आया हुआ है, मथुरा में आया है, बड़े मिले। सही, अयूब चाचा का तो जवाब आप ही दे सकते हैं राहुल भाई। और कौन है? नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने दोस्त भूल जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने दोस्त भूल जाते हैं, लेकिन जब नए दोस्त दिल दुखाते हैं ना तो ये पुराने ही याद आते हैं। जैन भाई भी बोलेंगे शायरी? खाना हजम हो चुका है ना अभी? बकरा देंगे, बकरा है कोई सेल के लिए? बहुत बकरे हैं, पकी है, हैदराबादी है, हैदराबादी सब है। सही है, चलिए तो अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वालेकुम सलाम। दो दिन से माशाल्लाह अच्छे से हम लोग दावत कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान है जी, अल्लाह ही एकदम बरकरार रखे, सबको एकजुट रखे। सही है ना, इत्तेफाकी खत्म हो जाए। सही, यहाँ की भी और भारत सब सब जगह की। कैसा है कि माशाल्लाह मैं यहाँ देखो सर्कल में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि माशाल्लाह भिंडी वालों में ना मुहब्बत बहुत है, एक दूसरे से ताल्लुकात मेल जोल हर चीज़ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये बरकरार रखे, काम तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। सही, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और एक बात ये है, हाँ कोई किसी को पैर की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब बात मत लो गलत बात, जहाँ ना इत्तेफाकी है ताकि हम लोग को देख के कुछ हासिल कर लें। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, तो साहब हम आज हम एक जगह है, वैसे हर जगह होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है मेंढे का, बहुत लोग शायद बाहर वाले ना समझे, पर आप लोगों के यहाँ मेंढे पे बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती है। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मिलाई थी मेंढे ऐसे क्या है तो सब लोग पसंद करते हैं। सही जी, और ये जो बच्चे अभी हम देखेंगे, ये पूरे सेट बच्चे अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह तीन तीन चार चार महीने से, और सब अदन बच्चे भाई जितने भी देखेंगे कुर्बानी तक सब रेडी है, सब रेडी हो जाएंगे, दो दो रात पे सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होएंगे। ये मेंढे दिख रहे भाई आपको छोटे, पर एक एक मेंढा वजन में 45 किलो 50 किलो ऐसा मेंढा बढ़ते हैं। क्या सामने ही वेइंग मशीन है, डायरेक्ट वेट करके बता देंगे। सही, तो ये नक पे भी के? ये भी नक पे देने का भाई, जैसे अभी एक एवरेज रेट क्या होगा इनका भाई? इसमें एवरेज रेट 28,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के, 25 से 28 जी, 18 से 25 18 से 25 25,000 रुपीज तक, और वजन की कैटेगरी है 40 kg से लेके तो 50 kg तक, 50 kg। एक एक करके दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो। अच्छा देख सकते हो भाई, बालों में बफ में, अभी आपको मेरे से बेहतर समझते हो भाई, यहाँ पर क्या क्या चीज़ खूबसूरती पे मेन है? खूबसूरती पे मेन है पहले इनके सिंग, बाद में इनके चेहरा, चेहरे पे ये जो बाल है, उसके बाद कलर पैटर्न कैसा कलर है, उसके बाद उनकी दुम, लंबी दुम है छोटी दुम है, ये सब इनकी पहचान है। जैसे अभी ये भी देख सकते हो, इसकी भी सिंग जोड़ देखो भाई, अभी सब मेरे जोड़ खोल, सब मेंढे अभी जोड़ ला रहे हैं। वाह, सिंग देख सकते हो आप, ये वेट गेनिंग में कित बहुत अच्छे होते हैं। वेट गेनिंग में मेरे को अभी जो एवरेज मिला है भाई, मेरे को 4.5 किलो का एवरेज मिला है, क्योंकि अभी बच्चे 4.5 किलो हर महीने का। अभी एक देख सकते हो इसका तो कलर पैटर्न बहुत भारी है, ये रेयर क्वालिटी में ना, और एक यहाँ पे कलर है वो वाले पैर पे, तो अगर कोई खरीदता पलाई पे रख लेंगे, पलाई पे रख सकता है 3,000 रुपये पलाई चार्जेस की, और मेंढा माशाल्लाह उतना ही चंचल मेंढा है जी। भराई पे ले रहे हो उमर भाई? जी भाई भराई पे तो है कपड़े, और लेने हैं जी भाई, दो बकरों की कैपेसिटी है। आप खुद भरते हो? मैं और एक मेरा आदमी भर रहे हैं, एक ये मेंढा भाई
चेहरा देख लो, सिंह देख लो आप, जो भी है भाई, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और ये ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी जहाँ जहाँ ट्रेन अवेलेबल हो जाएगा। एक ये मेंढा देखो, ये दोनों जोड़ी है भाई, दोनों जोड़ी है, एक ही माँ के बच्चे दोनों। क्या बात है जी भाई, एक ये बच्चा है, सब बच्चे भाई गुलाबी में, फुल गुलाबी बच्चा। साल में कितनी बार बाल काटते हैं? साल में अपना ऐसे हर डेढ़ महीने में बाल काटते हैं। जैसे अभी भी आया है नदीम भाई के बन हो रहे, खूड़ काटने आ गए हैं देखो। हाँ, अपने पास जैसे मतलब कुछ भी दिख रहा है कि हल्का भी है तो डायरेक्ट फोन पे आ जाते हैं अपने। मतलब आपके यहाँ बहुत कंसिस्टेंट तरीके से पलाई, पर्सनलाइज केयर जी भाई, ये बात देखा हूँ। सफाई भी आप देख सकते हो, आप तो कब से काम पे हो? नहीं नहीं, मैं आज नहीं आया हूँ, मैं बहुत बार आया हूँ। जब भी आऊँगी आपको काम, आपको ऐसा ही। ये कोटा, ये भाई कोटा है, पलाई पे, पलाई पे। वाह बहुत शानदार है, बहुत बड़ा कोटा। अभी इसको भी इंशाल्लाह भराई पे लेंगे। कोटा के एग्जीबिशन में इसको आना चाहिए था, कल मज़ा आ जाती थी, मज़ा आ जाती। कलर, गला पट्टी। अगर भाई किसी को चाहिए रहेगा तो पर्सनल में मैसेज करो, इंशाल्लाह उसको जैसा भी हम बता देंगे। बहुत मज़ा आ गया। गुलाबी चमड़ी में नहीं बकरा, लोग कलर समझे कि काला है, पर बच्चा पूरा गुलाबी है। पर ये बेचना नहीं है ना? नहीं भाई, अगर कोई शॉप के लिए लेना चाहे तो देंगे, वैसे आपको भी शॉप के लिए रखिए, कोई लेना चाहे तो उनको भी दे देंगे। दांत कितने बोले भाई? छः। सिक्के पे पूरी मार्बल धारी है, बाप रे लगा रहे, एकदम न्यू फ्रेश दांत, मार्बल धारी है भाई। उतना ही गर्म बच्चा है, उतना ही एक्टिव बच्चा है। चलो बहुत शुक्रिया, आइए अभी दूसरे बाड़े में चलते हैं। इसमें भाई मिला एक सेल के लिए भाई, नस्ल कच्ची अच्छी, अभी अपन कच्ची नस्ल देखेंगे। ये इसका भी एक अलग ट्रेंड है, क्या ट्रेंड अलग है भिवंडी में? अभी हम मेंढे की मंडी बताएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, जैसा कोटा की कल देखा, कोटा की कल मंडी में रहमान भाई की, वैसे हम मेंढे की बताएंगे। इसकी लेंथ बहुत मायने रखती है, उसकी दो भाई, अब भी जस्ट दो दांत तोड़ा है, दो दांत तोड़ा। वाह, ये मेंढा तो भाई देखो एकदम अटेंशन सीकर है बोलूंगा मैं। आप नहीं देख रहे थे तो पैर से बुला रहा था जी भाई। कलर पैटर्न देखो बच्चों, शायद अब भी दांत तोड़ रहा होगा, देखो अब भी जस्ट दांत गिरा है। अदंत 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 तो आया नहीं है दांत, सब मेंढे एकदम रिजनेबल है, वरना लोगों को लगेगा मेंढा देख के क्या पैसे ऐसे, कलर देख के, पर एकदम रिजनेबल रेट में। क्या इनका एवरेज रेट है भाई? ये मेंढे अभी अपन इसके 18,000 रुपए कोट कर रहे हैं। वाइट कजला पूरा वाइट मेंढा, इसकी आंखों पे बस ब्लैक है। बच्चा है भाई, कम से कम 9 महीने या 10 महीने का बच्चा। पेटी अभी से खोल दिया भाई जी भाई, बहुत अच्छा मेंढा है, ग्रोथ भी इतने भी। वाह, उसके बाद ये मेंढे की अपन प्राइस भाई 24,000 रुपये मांग रहे, ये उससे काफ़ी बड़ा मेंढा है। और वो मेंढे की अपन 25,000 रुपये मांग रहे, मोटी दुम का जी भाई। उसके बाद यहाँ पे एक विलायती मेंढा और है, उम्र में छोटा है, उम्र में बहुत छोटा है भाई उन लोग के, और सिंग मोटी आ गई, सिंग बहुत अच्छी है, सिंग देख सकते हैं, जोड़ जॉइंट हो रहा है। ये भी देना है ना? ये भी देना है भाई। ये नस्ल क्या भाई? पतीरा है ये भाई, सोजत, सोजत में फुल गुलाबी। ये सिंधी, ये सिंधी नस्ल है, ये आपने शायद शूट किए थे एक बार, बहुत छोटा था एकदम, बहुत बच्चा था, बच्चा था। आज देखो फुल गुलाबी में, बनूर एक ही अपने पास दो है, बनूर दो है, वो भी नदीम भाई के बनूर है। बेचने हैं क्या? नहीं रखे हैं, फुल शॉर्ट साइज में, फुल शॉर्ट साइज, ओरिजिनल बनूर बोलते हो, वो थोड़ा हल्का क्रॉस में आ गया भाई। ये मेंढे आपके हिसाब से क्या वजन तक जाने का चांस लगे? मेरे हिसाब से ये मेंढा जो है ये 100 किलो तक के जाने की उम्मीद रखता है, लेंथ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से वो मेंढा भी वैसा ही जाएगा। ये मेंढा थोड़ा कम जाएगा, ये मेंढा अगर अभी 45-50 है तो ये 70-80 तक के जाएगा, क्योंकि अभी ये बच्चा है उनके मुकाबले, उनकी उम्र क्वालिटी में भाई सबसे अच्छा मेंढा ये बीच वाला, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। इनकी इनके जैसे अभी ये गर्माहट में आते हैं जी भाई, तो इनको मैनेज कैसे करते हो भाई? इनको खाली डबल रस्सी पे बांध के रखना है बस। नहीं, वो नहीं, खाने पीना छोड़ते नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। मेंढे एक ऐसी नस्ल है कि जो भी डालो सब खाते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी में रहे, कितनी भी गर्मी रहे, अभी भी आप इनको फीड डालेंगे तो चलो आगे चलते हैं। आपका नंबर बोल दो एक बार भाई, 8237930704।
ठीक है। और मंडी में कोई भी चांदना मस्जिद पे आके कॉल करेगा तो एक ही मिनट का रास्ता है। तो वापस से बोलता हूँ, भराई के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके। भराई के लिए भी दो बकरों की कैपेसिटी अपने पास अवेलेबल है। लास्ट ईयर अगर किसको देखना है तो इंस्टाग्राम पे अपना बकरा है 145 kg का हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया आपका भाई। आइए सेकेंड वीडियो की तरफ जाएंगे और कुछ इंशाल्लाह नायाब चीज़ दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम।